क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम फिजियोथेरेपी का जो है ना हम यूज़ करते हैं मोडलिटी। रीज़न फिजियोथेरेपी की असल में है क्या, ये इतनी ज़्यादा डिजीज़ लिखी है, नेक पेन, बैक पेन, हेड एक, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सारी डिजीज़ें ऐसी डिजीज़ हैं इनका जो क्योर है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। फिर क्यों फिजियोथेरेपी के पास एक पेशेंट जो है वो जाता है इन मोडलिटीज़ को, इन ट्रीटमेंट को ना क्योर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेशेंट है जो कि उसका कोई जो उसका मोड ऑफ जो उसका बिजनेस है, ठीक है, उसमें वो अपने प्रॉपर अपना काम करता है, अपने जो है ना डेली रूटीन के अपने वर्क करता है, उसमें उसके मसल और बोन का बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्ट उसको रिक्वायर्ड होता है। एक पेशेंट जिसको मसल्स और बोन का कोई भी डिजीज़ है वो फिजियोथेरेपिस्ट से क्यों रابطہ करता है, रीज़न इसी में जो है ना वो मैं आपको ना बताना शुरू करता हूँ। एक पेशेंट है वो एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाता है, वो उसे कहता है जी सर जी मुझे यहाँ, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ बहुत दर्द है। डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट करना है अपने लिहाज से, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसका पेशेंट कह रहा था कि मुझे अभी यहाँ पर जो है ना क्योर चाहिए। अगर उसके पास क्योर नहीं मिलता तो कह जी वो डॉक्टर ही नहीं अच्छा, ठीक है। असल में क्या है, पेशेंट रिक्वायर्ड करता है कि मुझे पेन किलर्स चाहिए, वो असल में पेन किलर्स हैं, पेन का ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए रीज़न ऑफ फिजियोथेरेपी में क्या है कि पेशेंट जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो विदाउट यूज़ ऑफ जो हमारे पास पेन किलर्स हैं वो हम उसकी जो है ना पेन को रिड्यूस करते हैं। ये बात आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात ये करेंगे कि पेन जो है उसकी मैनेजमेंट जो है, आगे पेन की मैनेजमेंट के लिए, पेन के अब मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या जो है ना परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम मोबिलिटी जब भी करते हैं तो हमारे पास इंक्रीज ऑफ द ब्लड सप्लाई है। सेकंड बात है जितना भी लॉन्ग टर्म हमारे पास जो हमारे पास जितने भी मसल फटीग्स होते हैं, स्पैज्म होता है, वो रिकवर होता है। तीसरा बात यह है कि एक फिजियोथेरेपी जो है ये स्लाइड, अच्छा हम यहाँ पहले बात कॉम्प्लीमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। अब क्या है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या टूल्स इस्तेमाल करता है और वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्योरिटी आती है। सबसे पहले हमारे पास टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का बेसिक टूल है। इस टूल में क्या हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉइंट, एक बॉडी का पार्ट जहाँ पर पेन है वहाँ पर जो है ना इसको हम अप्लाई करेंगे। इसका अप्लाई में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कुछ इम्पल्सिस ट्रांसमिट होती हैं मसल के अंदर और जो है ना वो अपनी क्यूरोसिटी की तरफ जाता है। अब ये देखिए ट्रांस इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स जो है इसमें इसके दो बेसिक जो है ना दो फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फंक्शन है कि जैसे कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट के पास उसका मसल जो है बिल्कुल ग्रेड जीरो में है, यानी उसके पास इतना भी उसके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है कि वो अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो ये देखें जब भी कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स मसल में जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। तो हम यही है कि ग्रेड जीरो से लेकर हम ग्रेड वन पे आएगा, फिर टू पे आएगा, इस तरह जो है ना हम मसल की क्यूरोसिटी के बारे में ना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसल का अब पेशेंट जब हमारे पास आया था ग्रेड जीरो में था, अब वो ग्रेड कौन से में जा रहा है। इसके अलावा इसका एक ये भी फंक्शन है कि इस अगर हम इस अगर इस मशीन को देखें तो इसमें ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ना वो एडजस्ट करनी पड़ती है। ग्रेड जीरो में जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन हम 17 टोटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होती है, हम 17 तक लगाते हैं ग्रेड जीरो में। उसमें क्या है कि ग्रेड जीरो में जब हम अप्लाई करते हैं मशीन को तो हम उसको एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। पेशेंट को हम बताते हैं कि वो कोई फील हो रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो पेशेंट कहता है कि नहीं फील हो रहा, तो हम अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं उसकी हर्ट्स। अब इससे हमारे पास एक वो भी मिलता है, एक हमें राइट हैंड रूल मिलता है कि पेशेंट जो है ना कितना क्योर की तरफ जा रहा है, कि जितना अगर ग्रेड जीरो से वन में चला गया तो हम पेशेंट हमें कहेगा कि हमारे पास जो है ना काफ़ी फील हो रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर हम इसको और कम कर देंगे। ग्रेड थ्री तक जो है ना हम इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड थ्री में पेशेंट के पास इतना कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो खुद ही मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो फिर ग्रेड थ्री के बाद ग्रेड फोर और ग्रेड फाइव में जाने के लिए हम स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करवाते हैं। नेक्स्ट बात आ गई ओकोपंक्चर। ओकोपंक्चर जो है एक चाइनीज़ जो है ना टेक्निक है हमारे पास मल्टीपल डिजीज़ को क्योर करने के लिए। इस टेक्निक में क्या है कि ऑल ओवर द बॉडी ना डिफरेंट चैनल्स हैं,
हमारे पास आई के कुछ चैनल्स हैं, हार्ट के कुछ चैनल्स हैं, लीवर, लंग्स, ऑल ओवर द बॉडी में जितने भी कोई ऑर्गन है हर किसी का एक एक चैनल है। उस चैनल को स्टडी करना जो है ना वो हम एक्यूपंक्चर में पढ़ते हैं। वो स्टडी उस चैनल का हम स्टडी करेंगे। एक हमारे पास नीडल होती है, इसमें हम नीडलिंग करते हैं, सिल्वर नीडल है, हम बिल्कुल पिन प्रिक करेंगे, एक ब्लड, दो ब्लड ड्रॉप्स निकलेंगे और हमारे पास जो है ना पेन ख़त्म हो जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट जो है अब जो बेसिक जो है आगे एमएस जो है ना एक्यूपंक्चर में करते हैं, ताकि जो है ना एक पेशेंट देखें, एक पेशेंट अगर एक सोसाइटी में एक पेशेंट जो है वो एक डॉक्टर जो है वो कुछ अलहदा मोडलिटी इस्तेमाल करें अपने पेशेंट को क्योर करने के लिए, तो जो पेशेंट है वो उसकी तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे कि नहीं ये करवा कर देखते। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड और TENS जो है ना ये तकरीबन सेम है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ना वो ट्रांसमिट होती है। अब अल्ट्रासाउंड का क्या फंक्शन है हमारे पास फिजियोथेरेपी में, इसमें क्या है कि अल्ट्रासाउंड जो है ना एक डायग्नोस्टिक टूल भी इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बात की रेफर्ड पेन का, जैसे कि पेन का डिजीज़ या पेन का जो हमारे पास अफेक्टेड एरिया है वो किसी और पोर्शन में है, और उसके बाद जो हमें पेन हो रही है किसी और पोर्शन ऑफ द बॉडी में पेन हो रही है, तो अल्ट्रासाउंड जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स उस जगह ट्रांसमिट करेगा जहाँ पर हमारे पास जो है ना ऑलरेडी जो है ना हमारे पास जो है ना डिजीज़ है। उसके बाद हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में हम मुख्तलिफ वाटर के वाटर बैग इस्तेमाल करते हैं, हॉट वाटर बैग्स आपने पढ़ा भी है इसके बारे में, वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ना हम इसका ना कर सकें। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास इंक्रीज मोबिलिटी। अब मोबिलिटी में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी कि मोबिलिटी में हमारे पास जो है सबसे पहले हम जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करें। अब मोबिलिटी है क्या, अब मोबिलिटी ये नहीं है कि पेशेंट आया तो उसको जो है ना वो दबाना शुरू कर देना। मोबिलिटी क्या है कि एक पेशेंट जिसका मसल स्पैज्म हुआ हो या मसल कॉन्ट्रैक्शन कुछ हद तक इस तरह हुआ कि वो अपना मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसकी रेंज से थोड़ा ज़्यादा करना, ये हम मोबिलिटी आती है। हमारे पास इसमें थेरापूटिक एक्सरसाइज हैं, वो हम जो है फिर हम उसकी रिलैक्सेशन करवाएंगे। अब है थेरापूटिक एक्सरसाइजेस। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज जो थेरापूटिक इफेक्ट दे दिए बॉडी पे, हमने मेडिसिन का यूज़ नहीं करना, इसलिए हम जो है ना थेरापूटिक एक्सरसाइज करवाएंगे। इसमें क्या है, स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग क्या है, अब स्ट्रेचिंग के बारे में हम कहते हैं कि जो है ना ज़्यादातर खींच तोड़ करना, ये स्ट्रेचिंग नहीं है। स्ट्रेचिंग क्या है कि हम जो है ना पेशेंट आया हमारे पास, उसका उसका कुछ इस तरह हुआ कि उसकी रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक आ गई। अब जहाँ पर पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन ख़त्म हुआ उससे एक्सीड जो है हमारे पास स्ट्रेचिंग करना, वो स्ट्रेचिंग आएगी। रेंज ऑफ मोशन आपके पास क्लिनिकल लाइफ में जितने भी पेशेंट आएंगे, अगर उनका सबसे पहले जो आपका बेसिक जो उसका देख डायग्नोस्टिक होगा, वो आपको उसका रेंज ऑफ मोशन होगा कि एक पेशेंट का कोई मसल अफेक्टेड है तो वो कहाँ तक अफेक्टेड है। एक पेशेंट है वो आपके पास आता है, वो आपको कहता है जी मुझे शोल्डर पेन है। अब शोल्डर में मल्टीपल मसल्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको क्या इस तरह करना है कि आपको पता चले कि उसका कौन सा मसल अफेक्टेड है। अब हमने पढ़ा है ओरिजिनल इंसर्शन सारों की, ठीक है, मसल का फ्लेक्शन करना है, एंटीरियर डेल्टॉइड, अगर उससे फ्लेक्शन ही रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक है, वैसे तो रेंज ऑफ मोशन यहाँ, अगर उसकी रेंज ऑफ मोशन यहाँ, तो हम ये डायग्नोज कर लेंगे कि उसका जो उसका एंटीरियर डेल्टॉइड है ना वो उसका अफेक्टेड है। इसी तरह हमारे पास अगर उसकी एबडक्शन नहीं हो रही, ये जो है ना एक सिंपल रूल है कि जो एक फिजियोथेरेपिस्ट जब इसके पास एक पेशेंट आता है तो उसने क्या डायग्नोज में उसकी हिस्ट्री में क्या उसने जो है ना करना होता है, ये बात होगी। उसकी बात आ गई फिजियोथेरेपी जो है ना मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज को जो है ना वो प्रिस्क्राइब करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपिस्ट अपने सेंटर में बैठ के उसको वो एक्सरसाइज करवाएगा, ठीक है, और पेशेंट ज़्यादातर इस तरह होते हैं कि पेशेंट को अगर कोई जैसे कोई मसल का प्रॉब्लम आया है, ठीक है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन वो उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करता। देखिए एक मसल है, एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो स्पेसिफिक एंगल पे ही होगी, तो उसकी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो स्पेसिफिक एंगल पे, हमने वो उसको जो है ना प्रॉपरली गाइड करना कि इस यहाँ पर रिलैक्सेशन होना चाहिए और इस जगह आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है। अब आ गया, इसके बाद हम बात करेंगे कि हम अब मोबिलिटी से हमें फ़ायदे क्या हो रहे हैं। फ़ायदे ये हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मोबिलिटी से जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सेकंड बात यह है कि लॉन्ग टर्म मसल स्केलेटन अगर पेन है तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। थर्ड वन यह है कि अगर पेशेंट मोबिलिटी से अगर क्योर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसको जो है ना हम मोबिलिटी का
का जो उसका लाइफ स्पैन है ना उसको हम कंट्रोल करें और उसको जो हम स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइज पर लें ताकि जो है ना उसकी रेंज ऑफ मोशन वगैरह जो है ना वो कम्प्लीट हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इनका नाम मोहम्मद मुसब है, मेरे बेटे हैं, DPT 4 के स्टूडेंट हैं। जो DPT 4 में हैं वो ज़रा बता दीजिए कि DPT 4 में मुसब और ये फैसलाबाद में होते हैं, तो अब कोशिश कर रहे हैं हम इनको आपके पास यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में लाने के लिए। तो ये कल से आपके क्लास फेलो हैं DPT 4 के। तो जो स्टूडेंट DPT 4 में वो ज़रा कंपेरिज़न दे दीजिए। DPT 4 में कितने स्टूडेंट हैं आप? यहाँ DPT 4 में कितने हैं बच्चे? DPT 4 में कितने हैं? चलो, वेरी गुड। तो मोहम्मद मुसब DPT 4 में हैं और मैम और अरशद इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया। तो ये फैसलाबाद से मूव करके लाहौर आ रहे हैं, कल से इंशाल्लाह आपके शादियाँ होंगे। तो मैंने इनसे कहा था कि बेटा ज़रा थोड़ा सा फिजियोथेरेपी को बात कर लो, तो उन्होंने कहा पापा जी ज़रूर। ठीक है जी, मैम कोई इनकी प्रेजेंटेशन। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।